वेलकम एवरी वन दिस इज रजनीस आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है हाउ डज इम्प्योरिटी इन वाटर एफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग इम्प्योर वाटर यानी अच्छे क्वालिटी का वाटर यूज़ नहीं करें अच्छे क्वालिटी का पानी यूज नहीं करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट पे तो कॉन्क्रीट जो तैयार होता है प्रिपेर्ड होता है वो सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट ये तीन मिक्स किया जाता है और इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं ठीक है वाटर सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन सीमेंट एक बाइंडर का, का काम करता है जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट को या डिफरेंट मटेरियल को जोड़ता है ठीक है तो जो वाटर यूज़ करना चाहिए वो एक पोर्टेबल वाटर होना चाहिए पोर्टेबल वाटर कहने का मतलब होता है वैसा पानी जो पीने लायक -like हो यानी ड्रिंकेबल वाटर का यूज़ करना चाहिए कॉन्क्रीट के प्रिपरेशन में यानी वाटर जो होगा वो अच्छे क्वालिटी का होना होना चाहिए ठीक है तो कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर इम्प्योर वाटर से हम लोग कॉन्क्रीट प्रिपेयर करें तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं देखना वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग सेल वी क्लीन एंड फ्री फ्राम आयल्स अल्कलीज सॉल्ट सूगर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ uh, होते हैं उनमें से आयल मतलब ऑयल uh, हो सकता है ग्रीस हो सकता है अल्कलीज सॉल्ट और शूगर ये सब इफेक्ट करता है कॉन्क्रीट के क्वालिटी पर अगर सूगर का मात्रा ज़्यादा है वाटर में तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम को इनक्रीज़ कर देगा सीमेंट का या कॉन्क्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम थर्टी मिनट होता है ठीक है और फाइनल सेटिंग टाइम एट आवर टू टेन आवर के बीच में होता है ठीक है लेकिन अगर उसमें शुगर कंटेंट है इम्प्योरिटीज के रूप में अगर शुगर है तो उसका सेटिंग टाइम है वो दो से तीन दिन भी इंक्रीज कर जाता है ठीक है तो हम लोग जो भी वाटर यूज करेंगे वो प्योर होना चाहिए अदरवाइज उसके क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा ठीक है अच्छे क्वालिटी का कॉन्क्रीट प्रिपेयर नहीं हो पाएगा तो देखना ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे हम लोग अनवांटेड सबस्टांस को बोल रहे हैं जो सम को पानी में नहीं चाहिए बट वो प्रजेंट है ठीक है मे डैमेज कॉन्क्रीट और स्टील वो कॉन्क्रीट और स्टील को डैमेज कर सकता है ठीक है देखना ड्रिंकेबल वाटर इज जनरली कंसिडर्ड फॉर मिक्सिंग कॉन्क्रीट हम लोग पीने के लायक जो पानी होगा वही पानी का यूज करेंगे कॉन्क्रीट के प्रिपरेशन में या क्यूरिंग में सी का वाटर यानी समुद्र का पानी या तालाब का पानी हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं नहीं करते हैं ठीक है आई एस फोर फाइव सिक्स है वो कुछ रिकमेंडेशन दिया है आई एस कोड आई एस फोर फाइव सिक्स आप उसको पढ़िएगा तो क्लॉज़ सिक्स के आसपास है यानी सिक्स पॉइंट वन या सिक्स पॉइंट टू के अराउंड में कुछ मिल जाएगा यानी क्लॉज फाइव या क्लॉज सिक्स में दिया हुआ है ठीक है देखना अकॉर्डिंग टू कोड या फिर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो कुछ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया है कि अगर हम लोग इम्प्योर वाटर ऐड करते हैं तो कंक्रीट के क्वालिटी पे क्या क्या इफेक्ट आएगा देखना द वाटर रिएक्ट विथ सीमेंट हम लोग जो वाटर ऐड करते हैं वो सीमेंट के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन करते है, कहते हैं और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें टेम्परेचर होता है वो निकलता है ठीक है मतलब मिक्स जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है ठीक है विच बॉन्ड द अदर मटेरियल कौन बाउंड करता है कौन बांधता है तो सीमेंट बांधता है कब बांधता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ठीक है बट इम्प्योर वाटर कैन कॉज प्रॉब्लम इन सेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड प्री मैच्योर फेलर ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है तो अगर हम लोग इम्प्योर वाटर का यूज करेंगे देखना इस टर्म को हम फिर से एक बार रीड कर देते हैं देखना द वॉटर रिएक्ट विद सीमेंट विच बॉन्ड विथ अदर मटेरियल बट इम्प्योर वाटर कैन कॉज प्रॉब्लम इन सेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट ठीक है कॉन्क्रीट के सेटिंग में प्रॉब्लम कर सकता है ये कॉन्क्रीट के सेटिंग टाइम को क्या कर देगा चेंज uh, कर देगा सेटिंग को uh, ये अल्टर कर देता है सेटिंग पे कंक्रीट का इसका बैड इफ़ेक्ट होता है एंड प्री मैच्योर फेलर ऑफ स्ट्रक्चर और इससे क्या होता है स्ट्रक्चर प्री मैच्योर फेल हो सकता है अच्छा प्री मैच्योर फेलोर कहने का मतलब क्या हो रहा है जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं बीम हो कॉलम हो या कुछ भी एक स्ट्रक्चर हो उसका कुछ हम लोग टारगेट रखते हैं कि ये इतने दिन के बाद फेल होगा दस साल के बाद बीस साल के बाद या पचास साल के बाद फेल होगा या वो स्ट्रक्चर पे 100 किलो न्यूटन का लोड आएगा यानी उस बीम पे जब 10 लोग 12 लोग या 15 लोग खड़े होंगे तब फेल होगा लेकिन जब हम लोग इम्प्योर वाटर ऐड कर देते हैं तो वो स्ट्रक्चर अपने समय से पहले ही फेल हो जाता है ठीक है जो हम लोग टारगेट लेकर चले थे कि यह स्ट्रक्चर उतना दिन तक चलेगा या कुछ लोड को लेकर वो रोक कर रखेगा लोड को रोक कर रखेगा तो उससे पहले ही वो फेल हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री मेच्योर फेलवर कहने का मतलब है कि अगर आप इम्प्योर वाटर यूज़ करोगे अगर अच्छे क्वालिटी का वाटर यूज़ नहीं करोगे तो कॉन्क्रीट मजबूत तैयार नहीं होगा उसका स्ट्रेंथ भी घट जाएगा तो यही सब बात हम नेक्स्ट आ, स्लाइड में भी लिखे हैं इसको आप चाहो तो आ, स्क्रीन लेकर अपने पेज पर पे या अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखना नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है इम्प्योर वाटर मे कंटेन केमिकल डैट रिएक्ट टू सीमेंट डैट कैन एफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ठीक है तो प्री मैच्योर फेलवर हो रहा है इट हैज़ बिन ऑब्जर्व ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जब हम लोग इम्प्योर वाटर का यूज़ करते हैं तो वो प्री मैच्योर फेल हो जाता है यानी समय से पहले फेल हो जाता है तो रीज़न क्या है कि वाटर होता है अगर वाटर अगर केमिकल कंटेन करेगा और वो सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो स्ट्रेंथ पे इसका इफेक्ट आएगा डैट कैन इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कहने का मतलब है कि वो स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा नेक्स्ट देखना इंपैक्ट ऑन वर्कबिलिटी उस इम्प्योर uh, वाटर का इंपैक्ट वर्कबिलिटी पे भी आएगा ठीक है कोरोजन भी क्रिएट कर सकता है स्टील में जो अगर हम लोग रेनफोर्समेंट बार या लोहे का छड़ यूज़ किए हैं कंक्रीट के स्ट्रक्चर में तो इम्प्योर वाटर के कारण कोरोजन भी हो सकता है मेक अ स्टेन मतलब वाइट पैचेज भी आ जाते हैं अलकलीज अगर प्रजेंट है तो वो वाटर से ई बैपोरेट होकर स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएगा ठीक है जिसको हम लोग इप्रोरोसेंस भी बोले थे ठीक है तो वो वाइट कलर का स्टेन कॉन्क्रीट सरफेस के ऊपर दिख जाता है ठीक है तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ अल्कलीज अलकली, होने के कारण स्टेन भी अपीयर हो जाता है कोरोजन होता है वर्केबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है स्ट्रेंथ पे भी इम्पैक्ट होता है लास्ट पॉइंट देखना इम्प्योर वाटर मेक्स इनकंसिस्टेंट कॉन्क्रीट क्वालिटी ठीक है जो इम्प्योर वाटर होगा वो एक इनकंसिस्टेंट कॉन्क्रीट के क्वालिटी को प्रिपेयर करेगा देखने यहाँ पे देखना यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब होता है नॉट यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं अगर आप एक बीम का कुछ भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये स्ट्रक्चर का क्वालिटी जो है या स्ट्रेंथ है शुरू से अंत तक एक जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आगे का कुछ पार्ट मजबूत है और पीछे का पार्ट कमज़ोर तो अगर इम्प्योर वाटर यूज़ करोगे तो इनकंसिस्टेंट कंक्रीट क्वालिटी मिलेगा यानी इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि एक जैसा कंक्रीट का क्वालिटी नहीं रहेगा और इम्प्योर वाटर क्या करता है प्योर वाटर करता है इंपैक्ट ऑन ड्यूराबिलिटी एंड एस्टेबिलिटी ऑफ कॉक्रीट तो इसको इम्प्योर वाटर इंपैक्ट ऑन ड्यूराबिलिटी यहां पर लिख लेना इम्प्योर वाटर लास्ट पॉइंट यहां पर एड कर, कर लेना एक अलग पॉइंट कर लेना इमप्योर वाटर इम्प्योर वाटर इंपैक्ट ऑन ड्यूराबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट ठीक है इसको अलग पॉइंट में लिख लेना इसको अलग पॉइंट में कर लेना तो अगर हम लोग बैड क्वालिटी का वाटर यूज़ करते हैं एमप्योर वाटर यूज़ करते हैं तो उससे ड्यूराबिलिटी का मतलब होता है कि वैसा कॉन्क्रीट मतलब ड्यूराबिलिटी इट इज़ ए टर्म रिलेटेड टू द लाइफ अगर कॉन्क्रीट ड्यूरेबल है यानी उसका लाइफ ज़्यादा होगा एम्प्योर वाटर यूज़ करेंगे तो उसका लाइफ घट जाएगा तो उसका ड्यूराबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा और उसका स्टेबिलिटी यानी जो उसकी अस्थिरता है जो उसका टीके रहने का क्षमता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पे एक नए क्वेश्चन का हम लोग नए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू